हेलो फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू स्टडी स्टडी स्टंडिकेतन में आज हम करेंगे 11 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर चूँकि आज सोमवार है तो आज साप्ताहिक करंट अफेयर के सीरीज की भी वीडियो आएगी दिन में 11 बजे आपको मिलेंगे तो आप उसे रिवीजन अवश्य करें चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हर साल दुनिया भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी बर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में कब मनाया जाता है तो यह हर साल 9 मई को मनाया जाता है जी ठीक है और इस वर्ष का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है बर्ड्स कनेक्ट आर वर्ल्ड ठीक है आपको वैसे ही पता है कि थीम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डे के लिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है जी थी, ठीक है वीडियो को आप पूरा देखिए अंत में हम रिवीजन भी करेंगे रिवीजन कितने ज़रूरी है आपको पता है ठीक है चलिए अगला सवाल देखेंगे बीते दिनों किस बैंक ने भारत को कोविड नाइन्टीन आपातकालीन प्रक्रिया के लिए पाँच मिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है तो ये बैंक ए आई आई बी है जी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दो बैंक और आपको दिख रहा होगा ए डी बी एन डी बी ए डी बी आप जानते हैं बहुत अच्छे से एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में मुझे कमेंट करें बताएं इसके बारे में बाकी दो बैंकों के बारे में बताता हूँ मैं आपको एन डी बी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स बैंक है जी सबसे पहले ए आई आई बी यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसके सदस्य देश अठहत्तर हैं जी ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये ए आई आई बी यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं जीन लिकून चलिए आगे बढ़ेंगे और एन डी बी के बारे में जानेंगे यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक कहलाता है ये ब्रिक्स ने फाउंड किया है ब्रिक्स में पांच देश हैं जी आपको पता है ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका पंद्रह जुलाई 2014 को ब्राजील में इसका स्थापना हुआ था केबी कामत प्रेसिडेंट है लेकिन सांघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है जी बीते दिनों किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है तो आप इनका फोटो देख के बताइए बिल्कुल सही ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है जी वहीं के मुख्यमंत्री हैं ये योगी आदित्यनाथ ठीक है आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं और अलाहाबाद में वहाँ के हाईकोर्ट है जी देखिए उत्तर प्रदेश अपने आप में पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज़ें आप वहाँ के बारे में जितना हो सके डिटेल पढ़िए वहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा सब में सीटें हैं वहाँ सबसे ज़्यादा जिला की संख्या है ठीक है वहाँ सबसे ज़्यादा एम एल सब होते हैं वहाँ बिता दिनों किस मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के सैंतीस हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकरण के लिए टाटा पावर सेड के साथ समझौता किया है तो ये किया है जी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर सेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और टाटा के आप जानते हैं अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर गृह मंत्रालय कौन आ, संभालते हैं अमित शाह जी उड्डयन मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी जी राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय एस जयशंकर अब इस परियोजना के बारे में जानते हैं कुल लागत बारह करोड़ रुपये का है जी और ये दो चरणों में हस्ताक्षरित किया जाएगा पहला चरण में एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा वहीं जो सेकेंड स्टेज हो जा होगा दूसरा चरण होगा उसमें नेविगेशनल एड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा तो आपको याद होना चाहिए चलिए आगे बढ़ेंगे बीते दिनों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आई है ना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी कोविड नाइन्टीन टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ करार किया है तो इन्होंने किया है जी भारतीय डाक सेवा के साथ ठीक है ना भारतीय डाक सेवा के बारे में हम जानेंगे इस किट में एक्चुअली जो आईसीएमआर के सोलह डिवीजन है वहां से दो प्रयोगशालाओं में पहुंचाने जाने के लिए इन्होंने भारतीय डाक के साथ समझौता किया है जी इनका टारगेट है एक लाख कोविड नाइन्टीन परीक्षण हर दिन करना और डेढ़ लाख डाकघरों के साथ ये करार किया गया है इन किट्स को सूखी बर्फ जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं में पैकिंग के साथ भेजा जाएगा आई के महानिदेशक बलराम भार्गव हैं कई दफ़ा बताया हूँ अब बहुत इंपॉर्टेंट है आप बिल्कुल रट जाइए याद कर जाइए नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है एक अप्रैल अठारह को भारतीय डाक का स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है जी बीते दिनों मूडीज ने चालू वित्त वर्ष यानी साल 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत, उत्पाद यानी जीडीपी की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान 2.6 से घटाकर कितना कर दिया है तो इन्होंने जीरो दशमलव जीरो मतलब जीरो प्रतिशत कह दिया है जी कि मतलब बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुआ देखिए वैसे ये लिटरली बोलूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए ठीक है हम इस देश के हैं और हमें पता होना चाहिए मोडीज़ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है रेमंड डब्लू मैकडेनियल जूनियर इसके सी हैं जी ठीक है वैसे आई वर्ल्ड बैंक वगैरह करता है तो फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हर साल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के लिए किसके द्वारा आठ और नई मई नौ मई को चिन्हित किया गया है तो आप बताइए कि कौन किया होगा संयुक्त राष्ट्र ने किया है जी बिल्कुल सही इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है और ये पचहत्तरवीं वर्षगांठ थी जी इस दिन को दो हजार में घोषित किया गया था लेकिन 2010 में पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के महासचिव नौवें महासचिव हैं मैं बताया था आपको पचमें छठवें सतमें आठवें नौवें एंटोनियो गुटरिस 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना किया गया था बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद को भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है तो आप इनका फोटो देखिए और पहचानिए बिल्कुल सही है दिया मिर्जा है ये इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास जो लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसके समर्थक भी हैं अब चूंकि इनको कार्यकाल बढ़ा दिया है तो ये वन्य जीव संरक्षण स्वच्छ समुद्र स्वच्छ वायु जलवायु परिवर्तन के लिए संदेश फैलाने का काम करना जारी रखेंगे जी संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण जो कार्यक्रम है इन्वायरमेंट प्रोग्राम उसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और केन्या एक अफ्रीकी देश है जी और इसके कार्यकारी निदेशक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इंगर एंडरसन इसलिए मैं लिख के यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बीते दिनों पूरे देश में नौ मई को बहादुर राजा महाराणा प्रताप सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई तो इनकी ये चार सौ जयंती थी जी आपको पता है ये अकबर के समकालीन थे आप इन, इनके घोड़े को नाम जानते हैं चेतक है ठीक है ना इनका जन्म 9 मई 1940 को हुआ था मतलब अकबर से थोड़े से बड़ा हुए ये उनका पिता मेवाड़ के राजा जी थे राजा उदय सिंह द्वितीय उनके माता जी का नाम जयवंता वाई थे ठीक है महाराणा प्रताप एक मार्च पंद्रह को इनके पिताजी के निधन के बाद वहां के सिंहासन पर विराजमान हुए थे इन्होंने प्रख्यात हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर के साथ लड़ा था जी हालांकि हाँ मुगल की जीत हुई थी लेकिन फिर भी इनको बंदी नहीं बना पाया था मुगल 29 जनवरी पंद्रह सौ संतानवे को चावंड में इनका निधन हुआ था जो कि उस समय इनकी कार्यरत राजधानी था ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे बीते दिनों किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड नाइन्टीन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सी कोविड नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो आप बता सकते हैं बिल्कुल चंडीगढ़ प्रशासन है सी एच डी से चंडीगढ़ ही होता है देखिए ये आंसर आप कर सकते थे लेकिन मेरा टारगेट था कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल करूँ देखिए अपने पास कुल अभी आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें से तीन जिसके पास विधानसभा हैं जी दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं पुडुचेरी के वी वी नारायण स्वामी हैं लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ है उसके अलावा चंडीगढ़ दादर नगर हवेली और दमनदीप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप और लद्दाख ये भी हैं जी कोई छोटा तो नहीं ना चलिए बीते दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बांस कॉन्क्लेव आयोजित किया गया जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय केंद्रीय कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया इस सम्मेलन को किसने संबोधित किया है तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जी जिन्होंने इस कॉन्क्लेव को संबोधित किया इनके पास केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रहार दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी को वर्ल्ड बैंक के ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्क रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आई के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है तो इनका नाम अशोक माइकल पिंटो है आजकल बहुत ही मेहरबान है ये भारतीयों पे विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है जी आपको पता है अध्यक्ष डेविड रॉबर्ट मालपास है इसका मोटो आदर्श वाक है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी अब जवाब लेंगे सवाल तीन सौ बिरासी के भी दोनों आंध्र प्रदेश के विशाखापत्नम में स्थित एल जी पॉलीमर प्लांट से कौन सा गैस रिसाव की दुर्घटना सामने आई है तो आपने सही आंसर किया अस्टायरिन गैस है जी ठीक है ना मैं बता दूं कि ये एल जी एल जी जो कंपनी है कहाँ की कंपनी आपको पता है ये एक साउथ कोरियन कंपनी है और यहीं का ये हुआ है देखिए भोपाल में जो गैस ट्रेजिडी हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था एम गैस बहुत ही फेमस उन्नीस सौ में हुआ था बहुत ही बड़ा दुर्घटना हुआ था करीब तीन से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे जी ठीक है चलिए अब इसके सारे ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ मैं आपको फॉस्जिन गैस के बारे में आप जानते हैं बहुत जहरीली गैस है जी सी ओ सी एल टू इसका फार्मूला होता है अस्टाइन गैस के बारे में बताया था सी सिक्स एच फाइव सी एच सी एच टू और इसे विनाइल बेंजाइन भी कह, कहते हैं और भी नाम है एथलिन बेंजिन मिथाइल आइसोसाइनाइड का फार्मूला सी एच थ्री एन ओ NO सी होता है और एन एच फोर सी एल अमोनिया क्लोराइड का होता है अब आज का सवाल लीजिए सवाल तीन सौ तेरासी बीते दिनों भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है ऑप्शंस हैं ए रूस बी जापान सी इज़राइल और डी दक्षिण अफ्रीका आप उस देश के बारे में भी बताइए अपने देश के कोल इंडिया के बारे में बताइए और जितने भी इसके साथ करार हुआ है वो भी बताइए जितना हो सके डिटेल कीजिए अब रिवीजन करेंगे 10 मई 2020 के रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस दोनों 8 मई को मनाया गया दो दिवस 7 मई को मनाया गया था एक तो एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था और दूसरा आ, क्या था जी बैसाख दिवस यस बौद्धों के लिए सेना सेनानिवृत्ति के आयु को अंठावन वर्ष से बढ़ाकर उनसठ वर्ष कर दिया है तमिलनाडु सरकार ने जिसकी राजधानी चेन्नई है आयुष संजीवनी एप्लीकेशन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है जिसके मंत्री कौन है जी डॉक्टर हर्षवर्धन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के मुताबिक बारह करोड़ बेरोजगार हुए हैं इंडिया में बी आर ओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सात मई को हुआ था रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, के केंद्रीय निदेशक मंडल में नए निदेशक बने हैं तरुण बजाज दो दशमलव मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यानी एस एच सी क्यू मैक्सिको को भेजा है इसके राजधानी मैक्सिको सिटी है जी एक हजार सौ दस करोड़ रुपए के राहत पैकेज कर्नाटक सरकार ने घोषित किया है कोकिंग कोल गैस के लिए समझौता रसिया के साथ किया गया है व्लादिमिर पुतिन यहां के राष्ट्रपति हैं और मिखाइल मिसुस्तीन प्रधानमंत्री कुमार संगकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है जी वो श्रीलंका के हैं पान मसाला के ग्यारह ब्रांडों पर एक साल के प्रतिबंध झारखंड सरकार ने लगाया है तो आज का रिविजन हुआ कंप्लीट देखिए ये 10 मई का रिवीजन हुआ 9 मई के अगर आपको रिवीजन करना है तो कमेंट सेक्शन में जाइए वहां पर भी मैं पोस्ट कर देता हूं तो एक दिन में तीन तीन आपको हो जाते हैं ठीक है अब मुझे दीजिए इजाजत Namaskar.